हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग वेजिटेरियन डाइट दिखाने वाला हूँ जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में यूज़ की थी। मेरे ओपिनियन में वेजिटेरियन डाइट से भी आप सिमिलर रिजल्ट्स ला सकते हैं जो कोई एक नॉन वेजिटेरियन डाइट से लाता होगा। बट देर इज़ अ कैच। वेजिटेरियन डाइट्स में जनरली कुछ डेफिशिएंसी होती हैं जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में कंप्लीट होती हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल वाइटामिन बी डेफिशिएंसी एंड वाइटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इस वीडियो में आप शायद कुछ ऐसे सप्लीमेंट एंड फूड आइटम्स देखें जो आपने पहले कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे। मेरे वेजिटेरियन डाइट के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं पनीर, सोया, मशरूम और बहुत सारे वेजिटेबल्स। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है अराउंड सोया। क्या आप सोया प्रोडक्ट्स खा सकते हैं? आंसर इज़ येस, अगर वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एंड नॉन जीएमओ है। नाउ ये जीएमओ क्या होता है? जीएमओ इज़ बेसिकली अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सोयाबीन का जेनेटिक स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कहीं पे भी ग्रो किया जा सके एंड उस पर कोई भी केमिकल, फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जा सके विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। अभी प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये जीएमओ सोया जिस पे केमिकल होते हैं आप उसको जब खाते हैं तब आपकी बॉडी में थोड़े साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, एंड अगर आप ये कंज्यूम इन द लॉन्ग रन करें देन इट कैन हैव एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स। सो इन माई ओपिनियन, अगर आपको सोया कंज्यूम करना ही है, आई रिकमेंड ऑर्गेनिक नॉन जीएमओ सोया और फर्मेंटेड सोया। अगर आप अपनी वेजिटेरियन डाइट के साथ एग्स इंक्लूड कर सकते हैं तो शायद आपको काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि एक अंडे में इतने सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शायद आपको वेजिटेरियन खाने में ना मिले। हर ग्राम प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और अगर आपको ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए देन आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का एक बैलेंस प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल इज सेकेंडरी। आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए कि आप रोज़ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करें। मेरे ओपिनियन में 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर ऑफ हाइट इज़ ऑप्टिमल फॉर वेट लॉस एंड बोथ मसल बिल्डिंग। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं मिलता है, एंड अगर आपको वो अचीव करना है मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप हर मील में 2 वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन खाएं, या फिर आप अपने वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन के साथ हर मील में एटलीस्ट 1 या 2 अंडे ऐड करें। अभी टाइम हो रहा है अराउंड दोपहर के 2 बजे। मैं जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करता हूँ इन विच आई ईट ऑल माई मील्स विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 8 आवर्स और मे बी लेसर। तो अभी 2 बजे तक आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग, ठीक है? मेरे को अभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है। सो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज फुल डे ऑफ ईटिंग, मेरे को जाके थोड़ी ग्रोसरीज लेने हैं फॉर दिस वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई कंज्यूम इन द मॉर्निंग इज़ एप्पल साइडर विनेगर। तो मैं 1 ग्लास में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेके थोड़ा पानी डाल के पी लेता हूँ। मैंने नोटिस किया एप्पल साइडर पीने से मेरा ओवरऑल डाइजेशन बेटर है एंड इट हेल्प्स मी फास्ट लॉन्गर इज़ वेल। सो एप्पल साइडर ग्रेट ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, इससे भूख कम लगेगी आपको। थोड़ा अजीब सा टेस्ट होता है इसका, बट यू शुड जस्ट गेट डन विद इट। अपन ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं एंड सिंस आज का वीडियो वेजिटेरियन ईटिंग है, मैंने और मेरे चाचा ने दोनों ने ग्रीन पहना है। ओके, जस्ट गॉट बैक फ्रॉम ग्रोसरी शॉपिंग, सारे आइटम मिल गए मेरे को। द मेन इंग्रेडिएंट्स वेर पनीर, ब्रोकली, मशरूम, बेल पेपर एंड सम अदर वेजिटेबल्स। तो चलो लेट्स गो प्रेप दिस मील। दिस इज सो टेस्टी एंड सो हेल्दी एट द सेम टाइम। कांट बिलीव दिस किड हैज कम ऑल द वे। 2 years back you'd come all the way from Whitefield, I remember, to Hebbar, 25 kilometers, just to have KFC, Meghna biryani, and look what I'm eating today. What are we eating today?
This is good. I like the fact that you inspire so many people to do it. Good job. Done. Hectic meal, yaar. So much volume. Okay, just got done with the first meal. आपने देखा होगा काफ़ी वॉल्यूम वाला मील था, मतलब सो मच फूड एट सो लिटिल कैलोरीज. सो इन माई ओपिनियन द ट्रिक टू वेट लॉस इज जस्ट टू कीप योर सेल्फ फुल. ठीक है, अगर आपका पेट नहीं भरेगा यू विल नॉट स्टिक विथ इट. सो आपने नोटिस किया होगा इसमें मशरूम भी था, सोया भी था एंड पनीर भी था. सो फ्रॉम दिस आई गॉट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो लॉट ऑफ वेजीज. आई गॉट ऑल माई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड हाँ, मशरूम इज ऑल्सो रिच इन वाइटामिन डी. सो मोस्ट वेजिटेरियन डाइट्स लैक विटामिन डी. सो अगर मशरूम आप इंक्लूड करेंगे आपको भी विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी. ओके, तो अभी मैं खाने वाला हूँ अपनी फिश ऑयल टैबलेट. बेसिकली ये मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के डे वन से खाता आ रहा हूँ. बेसिकली फिश ऑयल टैबलेट में ओमेगा थ्रीज होते हैं विच वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम होती हैं. इनफैक्ट वेजिटेरियन डाइट्स आर यूजली लैकिंग ओमेगा थ्रीज. सो मैं मसल ब्लेस का फिश ऑयल यूज़ करता हूँ. बीन यूजिंग इट सिंस डे वन. ओके, सो अभी टाइम हो रहा है 6:00. इन द लास्ट आवर और सो आई गॉट सम वर्क डन. ठीक है, सो नाउ अराउंड 6 आई लाइक ईटिंग सम स्नैक. ठीक है, आई नो आई कीप सेइंग डोंट ईट स्नैक्स बट आई हैव अ लॉट ऑफ कैलोरीज लेफ्ट फॉर द डे. सो आई लाइक ईटिंग काबुली चना. बेसिकली आपके छोले चने को मैं उबाल के फर्स्ट मैं उसको ओवरनाइट सोक कर लेता हूँ, फिर अगले दिन उसको उबाल के मैं उसमें प्याज टमाटर डाल के चाट मसाला डाल के खा लेता हूँ. ठीक है, इट्स अ ग्रेट स्नैक. Now, what I recommend is with this, if you could add 1 or 2 eggs or maybe another source of protein. So, aap dekhenge, with this meal, I'll add soya bean with it. Theek hai? Now, like I mentioned, organic, non-GMO soya. Theek hai? That's the only way to go if you're consuming soya. So, I'm going to eat that and I'm going to relax. ओके, अभी डिनर टाइम हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं. एंड सो बेसिकली मैं डिनर में क्या करता हूँ, मैं दोपहर में जो खाता हूँ आई ईट द एग्जैक्ट सेम थिंग, बस उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है. आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा सेम चीज़ बार बार कैसे खा लेता है. सो द आंसर इज़, देखो यार, आई ईट द सेम थिंग बिकॉज इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ थिंकिंग कि आज मैं क्या खाऊँ नया, आज कौन सी रेसिपी ट्राई करूँ. ठीक है, जब वेन देर इज़ अ ग्रे एरिया, मतलब वेर आई डोंट नो वॉट टू डू, चांसेज आर कि मैं बाहर जाके कुछ गंदा खा लूँगा. सो मैं क्या करता हूँ, मैं दोपहर में ही ज़्यादा बना लेता हूँ ताकि रात को मेरा खाना ऑलरेडी रेडी है. सो आई स्टिक विथ व्हाट आई हैव एट होम. बेस्ट वे टू स्टिक टू प्लान. ओके गाइस, तो ये थी मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग वेजिटेरियन डाइट प्लान. इसमें क्लोज टू अराउंड 1900 टू 2000 कैलोरीज थी. नाउ 2000 कैलोरीज फॉर माई हाइट एंड वेट इज still very less. ठीक है, इसलिए आई कैन स्टिल लूज अ लॉट ऑफ वेट. बट आपके लिए 2000 कैलोरीज माइट बी अ लॉट. सो आपको बेस्ड ऑन योर हाइट, वेट एंड एक्टिविटी लेवल्स ये डाइट ऑल्टर करनी पड़ेगी ताकि आपको भी सिमिलर रिजल्ट्स मिल सके. अगर आपने वीडियो एंड तक देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.